क्या आपकी प्रेस जल गई है फ्रेंड? इस तरीके से जैसे मेरी प्रेस जल चुकी है, तो आज मैं प्रेस को क्लीन करने का एक ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही आसान होने वाला है। एक भी दाग जले हुए कपड़े का आपकी प्रेस पर नहीं रहेगा। और देखिए मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ कितनी गंदी ये प्रेस हमारी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इस पे ना कपड़ा जलकर चिपक चुका था, और मैं बाद में इसे प्रेस भी करती थी तो कपड़ा और ज्यादा चिपक जाता था। तो हमें करना क्या है, इसको क्लीन करना है। सबसे पहले हम इस प्रेस को थोड़ा सा गर्म करेंगे इस तरीके से। देखिए गर्म हमने ये कर लेनी है, थोड़ी सी गर्म कर लेते हैं पहले। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा प्रोसेस आपके साथ शेयर करनी है। और देखिए सबसे पहले मैं आपको ये छुटा कर भी दिखा देती हूँ, कभी आप लोग सोचोगे कुछ वैसे ही लगा रखा है प्रेस पे, तो बिल्कुल भी मैंने कुछ नहीं लगाया फ्रेंड। हमारे कपड़े जल चुके थे और 2-3 बार कपड़े जल चुके हैं, और जब भी मैं प्रेस करती थी तो कपड़ा चिपक जाता था, तो इसीलिए मुझे लगा कि कपड़ा जलाने से अच्छा है कि प्रेस को क्लीन कर लिया जाए। तो हमने लिया है यहाँ पर कोलगेट, और कोलगेट अगर आपके पास कोई सा भी है वो ही ले लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास व्हाइट वाला कोलगेट था, मैंने यही ले लिया है। ऐसा नहीं है कि व्हाइट ही लेना है आपने, जो भी आपके पास हो वही आपने ले लेना है। तो आप देखिए हम करेंगे क्या, इसको ना थोड़ा सा अच्छे से इसके ऊपर फैला देंगे। लेकिन देखिए आपको ना पहले स्विच के अंदर से प्लग निकाल देना है प्रेस का, जैसे मैंने निकाल के दिखा दिया है, आपको दिख भी रहा होगा। देखिए अब मैंने दोबारा से लगा दिया है इसमें, ये देखिए दोबारा से मैंने प्लग यहाँ पे लगाया है। जब भी आपने ये प्रोसेस करना है तो ध्यान से करना होगा। तो सबसे पहले हम इसे गर्म होने के लिए और दोबारा से छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। तब तक ये कोलगेट अपना काम करेगा और बहुत अच्छे से इसकी प्रेस की क्लीनिंग भी हमारी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर छोड़ देता, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं वेट कर रही थी, और इसको ना हम प्लग को निकाल देंगे, क्योंकि अभी तो देखिए अगर इस तरीके से करेंगे तो ये कोलगेट जो होगा जल जाएगा ज्यादा, तो सही से वर्क ना कर पाए शायद इसीलिए। तो आप देखिए, या तो फिर आप बंद कर दीजिए इसे, स्विच को ना बंद कर दीजिएगा। अगर बार बार निकालना भी नहीं चाहते हैं इसको तो बंद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बंद कर दिया था स्विच को, और अब देखिए मैंने आपको दिखाया रगड़ कर, तो अब ये वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने भाई अच्छे से क्लीनिंग करनी थी आज इसकी, तो मैंने क्या किया है यहाँ पर थोड़ा सा पानी ले लिया है, और अब मैंने सेफली इसको जो इसका प्लग है प्रेस का, इसको भी निकाल के अलग हटा दिया है स्विच से, क्योंकि मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। आपको भी निकाल देना है मेरे हिसाब से, तो आप स्विच को निकाल ही, स्विच में से मतलब प्रेस के स्विच को निकाल दीजिए पहले, तब आपने क्लीन करनी है। अब देखिए यहाँ पर मैं चाकू ली हूँ, चाकू से मैं हल्के हल्के इसको ना थोड़ा सा कर रही हूँ ना इस तरीके से, ताकि ये इसका जो काला काला पन था ना इसमें जमा हुआ कपड़े का वो निकल जाए। बस थोड़ा सा हमें चाकू से रगड़ना है। अब आप कहोगे कि इसमें तो स्क्रैच आ जाएंगे प्रेस में, तो बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आएंगे। मैं कह रही हूँ ना मेरी प्रेस में बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आए थे। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें स्क्रैच आ चुके हैं, बिल्कुल नहीं आए थे। मैं आपको दिखाती हूँ और लास्ट में आप खुद ही देखकर बता देना कि हाँ इसमें स्क्रैच आए नहीं आए हैं, क्योंकि अगर इसमें स्क्रैच आते तो मैं इतना बड़ा डिस्क नहीं लेती कि 1500 की अपनी प्रेस खराब करती और इस तरीके से प्रेस को क्लीन करती। अब पानी में थोड़ा थोड़ा सा कपड़े को डिप करते जाना है और इस पर रफ करते जाना। प्रेस अभी गर्म है क्योंकि ये जो प्रोसेस होना है वो गर्म प्रेस पर ही होना है, लेकिन हाँ लाइट आपने बंद रखनी है, इसमें स्विच में नहीं लगाना है, इसे बोर्ड में नहीं लगाना है प्रेस के स्विच को। मैंने निकाल के रखा हुआ है, बस इसी बात का आपने ध्यान धरना है, क्योंकि प्रेस तो वैसे बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो इसको क्लीन करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। बस इसी तरीके से आपको मैं क्लीन करके दिखाऊंगी। मैंने कुछ भी नहीं किया था आपके सामने, जो भी कुछ है वो आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड। तो देखिए बस इतना ही मैंने ये किया था। अब आप खुद ही देख पा रहे हैं कहाँ पे इसमें दाग धब्बा दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ना, और इसमें जो स्क्रैच वगैरह भी नहीं आएंगे। हमने चाकू से थोड़ा सा रगड़ा था तो उससे भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए आप खुद देख पा रहे होंगे, जो हमारी प्रेस थी एकदम से बढ़िया हो चुकी थी, और मैं हाथ भी इस पे घुमा के देखी थी कि स्क्रैच वगैरह तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आए थे। आप ट्राई करके देख सकते हैं। बस हाँ चाकू को आपको बहुत ही आराम से रगड़ना है, ये नहीं कि आपको बहुत तेज तेज से चाकू को रगड़ना है, फिर आप खुद ही खराब करोगे, तो मैं कुछ नहीं कह सकती फ्रेंड। मैंने चाकू को ना बहुत धीरे धीरे से इस प्रेस के ऊपर रगड़ा था, वो भी मतलब कि आप कह सकते हैं जो कपड़े का जला हुआ पार्ट था ना वो ही हमने निकाला था छील करके इसके ऊपर से, वैसे हमने चाकू से और कुछ इसमें नहीं किया था। बस मैंने क्लीन कर लिया साफ सुथरे कपड़े से, मैं इसको पोंछ देती हूँ और हमारी जो प्रेस है बिना ज्यादा झंझट के ही क्लीन
हो जाती है। तो बहुत परेशान हो गई थी मैं, क्योंकि मतलब कपड़ा चिपक ही गया था जल के प्रेस पे, और जब भी मैं इस पे दोबारा से कपड़े पे प्रेस करती थी तो कपड़ा बार बार चिपक जाता था। इसी चक्कर से एक आध कपड़ा हमारा जल भी चुका था, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। मेरे को लगा इसे क्लीन कर लेना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इस तरीके से हम कितने कपड़े फूकेंगे। बल्कि हमारी प्रेस बहुत ही अच्छी है फ्रेंड। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और छोटी सी वीडियो है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बहुत ही काम की है। मेरी प्रेस बिल्कुल ऐसी ही हो चुकी है जैसे मैंने मार्केट से न्यू खरीदी थी, और ये बहुत पुरानी प्रेस हो चुकी है। कम से कम 5-6 साल पुरानी हमारी प्रेस हो चुकी है, और बहुत ही बढ़िया से वर्क भी करती है। बस इस पे थोड़ा सा कपड़ा चिपक गया था तो उसी चक्कर से दिक्कत कर रही थी। अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, मैंने बाद में कपड़ों पे खूब प्रेस की, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। ये देखिए, बस इस तरीके से आपने क्लीन कर लेना है।